आज फिर एक नया सुंदर सा वीडियो लेके आ गई और एक नया सुबह और एक नया नज़रिया। तो आज का वीडियो मैं यही से शुरू करती हूँ, बाहर का नज़रिए से। आप लोग चलो देखो, मेरे साथ रहो। नमस्ते और सुप्रभात। अभी 8:30 बज रहा है। मैं आज 7:30 बजे उठी हूँ। घर का सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया, नहाया, गर्म पानी भी पी लिया, रूम क्लीन, बेड क्लीन, तुलसी माँ को पानी, सूरज जी को पानी और भगवान जी को सेवा कर लिया। आज मैंने यही सोचा कि आज चाय मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी। ये देखो, इनके सामने जैसे ही मैं कैमरा लेके आ जाती हूँ वो डर जाते हैं, इसलिए ऐसे ही भाग जाते हैं। और अभी 8:30 बज रहा है तो बाहर थोड़ा धूप कम हो गया है। रूम का एक नज़र देख लेते हैं। बाहर का साइड होता है वो भी थोड़ा एक नज़र देख लेते, तो चलिए मेरे साथ। ये गर्मी के सीज़न में जो धूप होता है, इस धूप के लिए बहुत कम रुक जाता है। जैसे मेरे पास भी बहुत काम होता है, सुबह सुबह ये काम करना पड़ता है, बैंक का काम हो, कुछ पेपर किसी के पास जाके देना हो, कुछ पेपर का ऐसे ही काम होता है कि 3 बजे से पहले 4 बजे से पहले करना पड़ता है। तो मेरा भी ऐसे ही धूप देख के बहुत काम रुक जाता है। मैं डेली यही सोचती हूँ, आज नहीं, आज बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, कल जाऊँगी। तो ऐसे ही मतलब गर्मी का जो सीज़न होता है ना, जो वो एकदम बेकार सीज़न होता है। फ्रिज से मैं कुछ खाना निकाल रही हूँ। ये 2 दिन पहले का खाना है। एक है फिश करी और एक सब्जी है जो मशरूम और दूधी आलू मिक्स करके बनाया था। और मैंने आज पक्का सोच के यही रखा था, आज चाय बिल्कुल नहीं पीऊँगी। लेकिन पता नहीं, फिर भी मैं दूध निकाल के रख देती हूँ। अगर मैं मन चाहे, मूड हो जाए चाय पीने के लिए, तो चाय पी लूँगी। एक चीज़ मैं रोज़ भूल जाती हूँ, जो कपड़ा धो के सुखाने के लिए डालना भूल जाती हूँ। तो अब दोपहर 12:30 बज रहा है और अभी मैं कपड़ा सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन, जो मैं खाना निकाल के रख दिया है उसके साथ मुझे कुछ तो चाहिए, रोटी या राइस। तो मैं उसके साथ बनाऊँगी राइस। और मेरा दोपहर का लंच यही होगा आज, फिश करी और एक सब्जी राइस। तो चलिए चलते हैं किचन। चावल मैंने बिठा दिया और ये सब्जी देख लेते हैं। ये मशरूम वाला जो सब्जी है, ये फिश करी है। और जो पानी मैं रात को बॉईल करती हूँ ये रखा है। दोपहर का खाना मेरा यही है। किचन आज ज़्यादा गंदा नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये चावल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बासमती चावल है। चावल बन जाने के बाद मैं थोड़ा बैठी थी,
15-20 मिनट तक बैठी थी, पानी पी, थोड़ा तक झक करती हूँ विंडो में बाहर, और इसके बाद मैं अभी दोपहर का खाना लेके बैठ जाऊँगी। और शाम को मैं क्या करती हूँ और कहाँ जाती हूँ मैं पूरा वीडियो करूँगी और आप लोगों के सामने मैं रखूँगी। तो मेरे साथ रहिए, मेरा वीडियो ये देखते रहिए लास्ट तक। शाम हो गया है और अभी विंडो बंद करने का टाइम है, लेकिन आज मैं विंडो बंद करने से पहले आप लोगों को मैं पंछी का घोंसला दिखाऊंगी, तो मेरे साथ रहिए। घर के अंदर कचरा देखिए, ये जो मेरे पंछी लोग ये घोंसले में ये लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आते हैं और ये विंडो से घर के अंदर फेंकते रहते हैं, पूरा दिन फेंकते रहते हैं और पूरा दिन मैं उठा के बाहर फेंकती रहती हूँ। थोड़ी सी मैं वीडियो इसलिए कर ली कि आप लोगों को दिखा पाऊँ ये चीज़, वीडियो में इतना अच्छा से नहीं दिखता है, लेकिन ये कचरा पूरा दिन फेंकते रहते, शायद वो अच्छा से घर बना रहे और जो बचा बुचा कचरा होता है वो मुझे दे रहा है कि आप ये इसको फेंक दो। अभी शाम को 6:30 बज रहा है और अभी तक धूप है हल्का सा, इधर 7:15 ऐसे टाइम पे थोड़ा शाम अंधेरा हो जाता है हल्का सा। और अभी से बच्चे लोग खेलना शुरू कर दिया है, बड़े लोग बैठना शुरू कर दिया। ये गार्डन अभी तक रेडी नहीं हुआ है, कलर लगा हुआ है तो कलर को सूखने दे रहा है, सूख जाएगा तो ये बच्चे लोग इधर ही खेलेगा। तो चलिए आज पंछी लोगों का घोंसला देखते हैं। अच्छा से मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि ये विंडो के ऊपर है और विंडो में चढ़ने का जगह नहीं है, तो ये देखिए। आप चलते हैं घर के अंदर, ये टाइम विंडो बंद नहीं करेगा तो बहुत मच्छर आ जाता, मोर्टिन जलाना पड़ेगा, लाइट ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए, कितना शांत दिखता है, किचन साफ रहता है। तो सुबह तक मैं यही सोच रही थी आज शाम को मैं घूमने निकलूँगी, मेरे घर के बाजू में ही समंदर है, जो साइड साइड में एक एक जगह का नाम होता है, मारवे बीच है, अक्षा बीच है, किसी एक जगह पे जाऊँगी, बैठूँगी थोड़ी टाइम, लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, लेकिन मैं नहीं गई। थोड़ी थोड़ी सी मुझे भूख लग रही है तो मैं यही सोचा कि अभी मैं क्या खाऊँ। मैं शाम को राइस रोटी नहीं बनाती हूँ, अगर भूख लगती है तो कोई स्नैक्स वगैरह खा लेती हूँ। फाइनली मैं एक टेस्टी स्नैक्स बना लिया है, ये उपमा और झाल सूजी, और इसके साथ मैं थोड़ी सी चूड़ा मिक्सचर मिक्स करूँगी, पोहा हो और उपमा हो, इसके साथ अगर थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा मिक्स कर लेते हैं तो मुझे लगता है टेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज का मेरा डिनर यही होगा। खाना ख़त्म होते होते मेरा 9:30 का पानी का टाइम हो जाएगा, पानी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पानी भर जाने के बाद बॉयल करने के बाद मेरे पास रात के लिए और कुछ काम नहीं होता है, तो मैं जल्दी सोने के लिए कोशिश करती हूँ, सो जाती हूँ। पानी मैंने बॉयल भी कर लिया है और अब मेरा पूरा दिन का ड्यूटी ख़त्म। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, कल फिर एक नया वीडियो लेके आ जाऊँगी आप लोगों के सामने। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।